तो फाइनली कुनियो बन चुका है और लास्ट में ना मुंड ऐसे रखा जाता है। देखो ये कुनियो का मुंड, जैसे इंसानों का मुंडी होती है ना वैसे कुनियो का मुंड ऐसे रखा जाता है। ये देखो अब फाइनल टच में कुनियो बन चुका है। तो अभी हम घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए और गीता का देखो भैर आहा तो थोड़ा ठूल भैर ही कजी गुरु बोला क्या बात कर रही है। हेलो दगड़ियों नमस्कार गुड मॉर्निंग पहलाक अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरबर थवाल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों आज की व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है मॉर्निंग मॉर्निंग से और मॉर्निंग मॉर्निंग में भाई काफ़ी खूबसूरत सा मौसम है। मौसम कल परसों दो दिन ना बड़ा भयंकर मौसम था, कंटिन्यू बारिश थी और आज बारिश रुकी हुई तो काफ़ी ज़बरदस्त मौसम हो रखा है और इस खूबसूरत से मौसम में मैंने आज के व्लॉगिंग की शुरुआत कर दी है। तो देखें क्या होता है आज। कल रात की बारिश के कारण ना यहाँ पे पूरा केले का पेड़ गिर गया भाई और काफ़ी ज़बरदस्त केले भी लगे हैं इसमें, तो क्या कर सकते हैं, धो हो गया बेचारा। अभी मैं हूँ लक्ष्मण लोगों के घर पर और आज यहाँ ना कथा का आयोजन है और सभी गांव वालों को निमंत्रण कर रखे हैं। तो काम हम चल रहा है, सुबह सुबह का मौसम है, नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़ारों में बैठे हुए हैं और यहाँ पे काम चल रहा है रायता बनाने का। ये देखो ये छोटा पुष्कर दाई और बड़ा पुष्कर दाई है, अब बताओ पुष्कर ही पुष्कर छाए भाई यहाँ। यहाँ पे लगी है भाई महारसोई, अब यहाँ पे बनाएगा हाक पात दाल भात सब्जी टुक्की जो भी होता है। क्यों चाचा बनाओगे? भाई साहब पैसा ही पैसा। तो देखो लड़का मड़का ने ककड़ी का रैत कुटर दिया है और जो ककड़ी बची है ना घपा घप लून लगा के मस्त ये खाया जा रहा है। ये देखो आहा हा आहा, ये देखो ये तो बढ़िया चीरा, ककड़ में चीरा लगा के खाने का मजा ही कुछ हो रहा है भाई। ये देखो ये देखो ये मैं तो चाय पी रहा हूँ यार, चाय का आनंद ले रहा हूँ मैं। तो आज भैया लक्ष्म की शादी में जो कथा होता है ना शादी के बाद वो नहीं हुआ था, काफी पेंडिंग रह गया था। लक्ष्म की शादी को लगभग एक साल होने को है, कथा आज करा रहा है लक्ष्म। हैं देरी का कारण सिचुएशन ऐसा था। अच्छा ये बेचारा नौकरी में छुट्टी कम थी ना इसकी तो ये चला गया था तो कथा पेंडिंग रह गई थी। क्यों गुरु जी? हाँ ठीक नमस्कार। तो आज है कथा और बाहर भी काम चल रहा, थोड़ा बहुत तो काम कर लिया है, अब सीधे खाने की ही बारी है। भात हाथ बनाएंगे बड़े लोग, हम लोगों का काम था हाक हाक बनाने का, रात बनाने का, वो हो ही चुका है। तो अब सीधे मिलते हैं खाते टाइम। बोने लगे पिसू गुड मतलब आटा आटा एप्पल होन रहे चालू। खेतों में ना अब सब लोग धान काटने लग गए भाई क्योंकि धान की खेती अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ ने तो काट के भाई चूड़ भी दिया धान और मडवा लगभग खाली कर दिया है। थोड़े दिनों में ये खेत ना सारे के सारे आपको खाली देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अभी दाल भात बनाया जा रहा है जबरदस्त वाले स्टाइल पे। तो दाजू और ठुल दाजू लगे हुए हैं। हाँ दाजू हाँ चप्पल चप्पल पहन के बनाया जा रहा है। बोल कुछ नहीं होता है यार बड़े उसमें हैं। और ये चंदू यहाँ रायता बना रहा है। ये देखो ये ओहो भाई साहब, भाई नमक वमक हम ठीक बनाना है फिक्स, क्या बात कर रहा है। चल ठीक है ठीक है, देखते हैं स्वाद कैसा होता है। अरे बड़ी फर्स्ट क्लास बन रहा है। अभी है दिन का समय और मैं जा रहा हूँ खेतों पे क्योंकि खेतों पे ना अब धान काटना भी स्टार्ट हो चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मम्मी लोग गए हैं मालगो धान काटने के लिए और मैं केले के पत्ते ले जा रहा हूँ कुन्यू के नीचे रखने के लिए। कुन्यू बोले तो मतलब तीन चार दिन तक धान को रखा जाता है, बोले तो हमारे गाँव में बोलते हैं ना पहाड़ी पर शिताया जाता है, यानी कि धान की जो गुदे होते हैं ना वो मजबूत हो जाते हैं शता के। तो उसी चीज़ के लिए मैं ये अभी ले जा रहा हूँ और धान का कुन्यू बना रहे होंगे ना। तो फटाफट से मैं खेतों पे जाता हूँ और काफ़ी खूबसूरत सा मौसम हो रखा है, ना गर्मी है ना ठंड है और धीरे धीरे ना अब ठंड का एहसास भी होने लगा है क्योंकि कंटिन्यू बारिश ही हो रही है ना। तो फटाफट से खेतों पे जाता हूँ और ये पत्ते बिछाते हैं और कुन्यू कैसे लगाते हैं वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, गीता ने और मम्मी ने ना ये वाला खेत और ये वाला खेत काट दिया है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुन्यू लगाया जाता है। देख रहे हो ये होता है सिस्टम भाई, छोटा पिरामिड टाइप से बनाते हैं मस्त वाला। और मम्मी दूसरा कुन्यू यहाँ पे लगा रही है तो इस बार हमारे खेत में दो कुन्यू यहाँ पर हो रखे हैं, नीचे पता नहीं कितने होंगे। तेल कजी वाली है तो नीचे चार पाँच कुन्या होंगे भाई, आफत आने वाली है मेरे छूटने में। राखी तय मिलवा राखी, अरे मी पॉसिबल मैं तो रहा टेढ़ो ला देखी जाएगी, रख दे चल।
ओ भाई गुड शाबाश, यह सीख गया गीती लीला कोई दिन लैंड। फाइनली हमने ना दो कोने लगा दिए हैं और थोड़े से और बचे हैं, इसमें रख लेते हैं। और आप लोगों ने टाइम लैप्स से देखा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो प्यारे प्यारे से दो कुनिया बन गए हैं और कथल छुट्टू ले जाए इन्हें, हाँ तो दो या तीन दिन में इसको चूड़ दिया जाएगा और इसमें से धान अलग कर दिया जाएगा तड़ियों के थ्रू, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त वाला सीन रहता है, बड़ी आफत रहती है भाई। अगर हैंड छूटते टाइम घाम लग गया ना तो भाई घाम ऐसे सान में ऐसा लगता ना, मतलब चमचमाता हुआ घाम, बहुत आफत आ जाती है यार। तो चलो फाइनली ये वाले खेत का हो चुका है, अब नीचे वाले खेत पे ना, वो नीचे वाले खेत पे धान काटने जाना है इसके बाद, ठीक है, वो वाले खेत में उधर नीचे। तो फाइनली कुनियों बन चुका है और लास्ट में ना मुंड ऐसे रखा जाता है, देखो ये कुनियों का मुंड, जैसे इंसानों का मुंडी होती है ना वैसे कुनियों का मुंड ऐसे रखा जाता है ये। ये देखो अब फाइनल टच में कुनियों बन चुका है, अब इसके ऊपर में फूल रखेंगे। तब फूल टिप के लाओ नीचे से, झनकार का फूल जल्दी टिप ना, अब इसमें फूल रखेंगे मस्त करके। तो शीर्ष तो शीर्ष होता है भैया, चाहे इंसान का हो कुनियों का हो किसी भी चीज़ का हो ना, फूल तो अस्सी का तो रखना बनता ही है। हाँ क्या बोलते हैं गीता। तो दोनों कुनियों लगा दिए हैं और थोड़ा सा भी बारिश का माहौल भी, और साथ ही में ना कथा में अब कथा संपन्न हो चुकी है और खाने लग गए हैं, बोल रहे हैं फोन आ रखा, तो फटाफट से कथा में भात खाने जाते हैं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लगी है। हाँ यार खाने लग गए, तो फटाफट जाते हैं और वहाँ पे है निमंत्रण विक्की लोगों के यहाँ, लक्ष्म लोगों के यहाँ, ठीक है। तो फटाफट से घर भात खाने के लिए जाते हैं, भागो वही आई चेहर था घरेलू है ठीक से भाई, मैं तो मम्मी बाद में खाएगी। ये तलगाड़ा बूझ रहा नीले काट गान लो कभी को नहीं उड़ान ला भाई साहब, तीन कुनियों कहाँ ललत जी साहब शबाश शबाश। अच्छा है बकार है ना, हो बता है तब ठीक छो, तब तो ठीक है। तो अभी हम घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए और गीता का देखो बहर आहा तथा ठुल बहर ये कजी गुरु उड़ला क्या बात कर रही है, खाने लग गई जल्दी चल, भूख लग गई है वही तो हिट हिट है ना। फाइनली मैं खेतों से पहुंच चुका हूं निमंत्रण पे और यहां मस्त करके खाने लग गए हैं, कथा वगैरह भी संपन्न हो चुके हैं, गुड बाय ये। और यहां पे मिल रहा है सबसे पहले मुहिटाव, हेलो गाइस, ये देखो ये दधी लगोड़, ए पहले आरती ली यहाँ जो हो भगवान, यो आज बाकी चीज बना रहे हैं पकवान में, ये है पंचामृत, ये है प्रसाद। तो सबसे पहले प्रसाद अशी का खाते हैं फिर खाएंगे खाना। आपने खा लिया था वो भात भी खा दिया, बड़े तेज हो रहे हो। अभी है शाम का समय, तो शाम भाई बहुत खूबसूरत सी है आज, और तीन चार दिनों की बारिश के बाद ना आज मौसम बहुत खूबसूरत सा हो रखा है। दिन में तो भाई पूरे आसमान में ना काले काले बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गया है। आशा करता हूँ कि भैया कल से भैया मौसम साफ रहे मस्त रहे, ताकि मैं एक अपनी खूबसूरत सी एक जर्नी पे जा सकूं और बहुत खूबसूरत सा जो आने वाले ब्लॉग हैं वो होने वाले हैं। तो अभी तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा उन ब्लॉगों के बारे में कि आखिर मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा माहौल रखा है भैया, चंदा मामा भी आ गए हैं लेकिन धूप देवता चले गए हैं, शाम का मौसम है ना धूप देवता चले गए, चंदा मामा ठीक उस टॉप पे है, दिखाऊं एक बार थोड़ा सा जूम करके, ये देख देखिए आपको चंदा मामा, ये देखो ये है चंदा मामा, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं आज, ये देखो ये तो ये हमारी घसारी हटी घसारी हटना घसारी, ओ भाई ये देखो गीतली आ छावा 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 त्यो और मेरी फूल है काटून है ये दुबिल गशार छाव यो दुबिल गशार क्यों बे दीप्ति दुबिली भाई दीप्ति गशार दीप्ति आराम है काट वीडियो चक्कर में उमा ठुन के है अच्छा तसा काट छे ओहो जे बुआर बोले मजा आ जाए यार वी के घशार बुआर मिले घशार ओ कह दिन यार दीप्ति के लाभ बरियात बरियात कौन मुझे खराब हो यो अक्सर खेतों पे ना
मडुए के खेतों पे हो चाहे धान के खेतों पे हो, ककड़ी की बेल लगाई जाती है। और जब भी गर्मियों के टाइम पे धान या फिर मडुआ काटे जाते हैं ना इस सीजन पे, तो बहुत प्यारी प्यारी ककड़ियाँ लगी रहती हैं। और कहते हैं क्या होते हैं, जो मडुए के खेतों पे धान के खेतों पे जो ककड़ी लगी रहती है ना, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो काफ़ी ज़्यादा हमने इस बार ककड़ियाँ खा रखी हैं, इस बार अभी लगी रही हैं गीता। इस बार मौसम ज़्यादा गर्म भी नहीं था ना, और ये देखो ककड़ियाँ अभी भी लग रही हैं। ये देख रहे हो, ये खेतों की हरी हरी ककड़ियाँ बहुत खूबसूरत और स्वादिष्ट होती हैं भाई। तो पुष्कर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, पुष्कर भाई क्या रखा है खेतों में? आलू के आतंक से आज पूरे गांव अपने अपने धान काट रहे हैं। क्या बात कर रहा है? तो यहाँ देखो ऐसा कर रखा है, कैसा कर रखा है दिखा तो। वो बिस्तर बना रखा है तो बाद में पुष्कर भाई लोगों का ना पूरा धान के खेत में ना पूरा डबल बेड बना के सो रखा है यार। ये देखो ये आतंक मचा रखा है, बोल आतंक। अच्छा तो पुष्कर भाई जबरदस्त गाना सुन रहे हैं। ए अमर गाड़ा बाटे ने जा रहा लायो बाली दियो ले भयो। ओ भाई भालू देखो कुछ इस तरीके से गया है। और ये हमारा कलदा भी आ रखा है खेतों पे। और मेरी ईजा यहाँ पे है, ये देखो ये गितली रही और नीचे गितली की दीदी रही। और मौसम काफी खूबसूरत सा चारों तरफ का, धीरे धीरे ना मौसम बहुत ही साफ सा हो गया है। और कल से शायद मौसम बहुत जबरदस्त है और कल से जबरदस्त यात्राएं होने वाली है। क्या बोलती है गितली? तो कुछ ऐसा मामला। अच्छा बहुत बिगड़ गया यार, बहुत बिगड़ गया। ये सब ये भगत यक भगत चाय दिया दोस्त पुष्कर दाई भाई। ये खैदिल में भाई साहब भाव सब भाव पुष्कर दाई गजब। यो ये सही कितना है। फाइनली पुष्कर दाई की मदद से ना ये खेत भी कंप्लीट हो चुका है। और कल के लिए बच गया है एक खेत। और शाम का नज़ारा है तो बहुत खूबसूरत सा मौसम अभी हो रखा है। आसमान में भाई चित्तेदार वाले बादल ना जाने। पुष्कर दाई धन्यवाद यार खेत में काटने के लिए हाँ धान। और ये देखो भाई बहुत खूबसूरत सा नज़ारा, ये देखो भाई चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा। और ठीक सामने रहा अपना गाँव। क्या कर रहा है गणेश? ये है कपड़े उछा रहा है। अच्छा किसके हैं? बुल्ली के हैं। ओहो गुड। हाँ ईश्वर रखना सब। चल उछाल उछाल के चल निकाल तो। हाँ उछाल ना, चल निकाल निकाल कपड़े निकाल सब उछाल के निकाल। ओ भाई और ओहो गीला है ये तो। उछाल चल। ओ भाई गजब। अरे यार सब गीले हैं यार, क्या होगा अब। चल उछल। ओ तो गणेश की भी अपनी अलग कहानी है भाई साहब। चल एक बार और चल, तभी तो ओलंपिक खेलेगा। तेर से ना हो पाएगा भाई। तो अभी मैं दूध लेके आ गया हूँ घर। अब इसके बाद मुझे जाना है खेत पे, जो धान हमने काट रखे है ना उसको बचाने के लिए भाई, क्योंकि रात को ना भालू का बहुत खतरनाक वाला आतंक चल रहा है। जैसा कि आपने देखा ना वो धान के पूरे खेत कैसे कुचल दिए थे भालू ने। तो धुआं लगाने के लिए अभी मैं जाता हूँ खेत की ओर फटाफट। तो खेत में आग लगाने के बाद अभी मैं घास का पुतला लेके घर की तरफ जा रहा हूँ। और शाम का समय है तो बहुत खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। तो चारों तरफ की अगर अभी शाम के नज़ारे की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त मौसम। और ये देखो भाई वाटरफॉल ही रहा आज तो। चंदा मामा भाई बड़े नज़र आ रहे हैं भाई, बहुत बड़े दिख रहे हैं आज चंदा मामा। तो चलता हूँ फटाफट से घर की ओर। अभी है शाम का समय और रात गहरी हो चुकी है। और शाम का समय है तो खाना बना भी रहे हैं। मम्मी यहाँ पे बैठी है, पिताजी यहाँ पे न्यूज़ का मजा ले रहे हैं और गीता खाना बना रही है। तो मैं करता हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल।